हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, सन 1964 में जब सनी लिस्टन और मोहम्मद अली के बीच में जब पहली बार मैच हुआ तो लोगों को लगा कि ये भला क्या मजाक हो रहा है। वर्ल्ड हैवीवेट बॉडी चैंपियन सनी लिस्टन, जिसने कभी किसी चैंपियन को दूसरे राउंड तक पहुंचने नहीं दिया, उसका मुकाबला भला ये बच्चा कैसे करेगा। उस रात एक्चुअली आधी ऑडियंस भी ये मैच देखने नहीं आई थी, क्योंकि दरअसल उस समय बॉक्सिंग की कैटेगरी में बॉक्सर की बॉडी को टेल ऑफ द टैप से नापा जाता था। यानी कि बॉक्सिंग के एक्सपर्ट्स आपकी बॉडी और हाथों की बनावट से ये पता लगाते थे कि क्या आप एक सच में चैंपियन बॉक्सर बन सकते हो या नहीं, जिसमें लकीली सनी की बॉडी की बनावट बिल्कुल ऐसी ही थी कि मानो कि वो तो पैदा ही हैवी वेट की चैंपियन बनने के लिए हुए हो। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट की माने तो मोहम्मद अली किसी भी एंगल से चैंपियन की कैटेगरी वाले मेजरमेंट में फिट ही नहीं हो रहे थे, इसलिए करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए मैच के कुछ ही दिन पहले से ही एक्सपर्ट ये मान चुके थे कि मोहम्मद अली तो किसी भी हालात में ये मैच जीत ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सपर्ट को लॉजिकली ऐसा कोई वे मिल ही नहीं रहा था जिसका इस्तेमाल करके अली जीत सकते थे। इसलिए ज्यादा लोग भी ये मैच देखने के लिए नहीं आए थे। मगर जैसे ही मैच शुरू हुआ कि देखने वाले लोगों की तो मानो कि होश ही उड़ गए, क्योंकि एक छोटे से कद वाले अली सनी को रिंग में बच्चों की तरह नचा रहे थे। और सेवंथ राउंड आते आते तो अली ने अपने एक ही मजबूत पन से सनी को ढेर कर दिया, और लॉजिक एंड एक्सपर्ट के डिसीजन से परे जाकर वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के खिताब को अपने नाम कर लिया। अब अली की इस चमत्कारी सफलता को लोग किस्मत या लक का नाम लेने लगे, मगर अली अपनी किताब में ये बताते हैं कि ये कोई किस्मत या चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे मेरी बहुत ही समझदारी और चालाकी बड़ी मेहनत थी। अली ये बताते हैं कि मैच फिक्स होने के अगले ही दिन मैंने सनी लिस्टन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन दिनों में इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए मैं पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर पूरा पूरा दिन लिस्टन के सारे इंटरव्यूज, उसकी बॉक्सिंग करने की स्टाइल और उसके माइंडसेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालता गया, जिससे कि मुझे पता चला कि लिस्टन को शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह से थकाया जा सकता है। और मैं उन लोगों से भी मिला जो लिस्टन को हराना जानते थे, और उनसे लिस्टन को हराने की टेक्निक सीखी। और धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि इस पहाड़ जैसे आदमी को किस तरह से हराया जा सकता है। अब ये बात मीडिया वाले और लिस्टन नहीं जानते थे, इसलिए जब मैं रिंग में उतरा तो लिस्टन मुझे हल्के में लेने लगा, और उसी चीज का फायदा उठाकर मैं उस पर हावी हो गया। और सेवंथ राउंड आते आते तो मैं सनी को पूरी तरह से तोड़ चुका था, और फिर मेरे एक ही पंच ने सनी को नॉकआउट करके रख दिया, और मैं बड़ी ही चतुराई से हैवीवेट बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन बन गया, जो कोई किस्मत या लक का खेल नहीं था, बल्कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर की कही बड़ी ही समझदारी और चालाकी भरे एफर्ट्स का नतीजा था, जिसने मुझे पिछले 32 साल तक वर्ल्ड चैंपियन बना करके रखा। क्योंकि किस्मत आपको गलती से एक बार जिताकर विनर तो जरूर बना सकती है, मगर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स आपको जिंदगी भर के लिए चैंपियन बनाता है, जिसे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे खुद बताओ कि मोहम्मद अली अपनी किस्मत की वजह से चैंपियन बने या अपने एफर्ट की वजह से? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अब इसी चीज को जेम्स ऑस्टिन ने अपनी किताब में भी ये बताया है कि अगर आप सही डायरेक्शन में अपने हार्ड वर्क, आइडिया एंड एफर्ट को परफेक्टली अलाइन करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, तो ऐसी कंडीशन में लक एंड किस्मत अपने आप ही आपके फेवर में आकर काम करने लगती है। जिसे कि रिचर्ड फ्रेस्कन एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक मैरिल लिंच में काम करना स्टार्ट किया था, जिससे कि अब उन्हें हर महीने एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही थी। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रिचर्ड को कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बना दिया गया, यानी कि अब उसकी सैलरी भी डबल हो गई थी। यानी कि अब यहाँ पे देखे तो रिचर्ड की हर तरीके से किस्मत चमक रही थी। मगर अपनी सफलता के नशे में चूर रिचर्ड ने कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे तो ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उसने दिल खोल कर अपने पैसे उड़ाए, जिसका नतीजा ये आया कि 2008 में रिचर्ड को ना चाहते हुए भी अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद भी आज वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, जबकि वहीं रोनाल्ड रीड नाम के इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक चौकीदार की ही नौकरी की है, लेकिन उसके रिटायरमेंट से पहले उसके पास $8 million जमा थे, जो इंडियन करेंसी में लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे कोई इंसान भला चौकीदार की नौकरी करके 55 करोड़ जैसी बड़ी रकम भला कैसे जमा कर सकता है? तो इसका जवाब है प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज और छोटी छोटी मगर पावरफुल इन्वेस्टमेंट की वजह से। एक्चुअली में रोनाल्ड अपने फ्री टाइम में इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा किया करते थे, और अपने हर महीने की सैलरी में से एक छोटी छोटी रकम को वो बड़ी ही समझदारी से इन्वेस्ट कर दिया करते थे, जिसके बदौलत ही वो पैदाइशी तो किस्मत वाले नहीं थे, मगर अपनी समझदारी और प्रॉपर फाइनेंशियल एफर्ट की वजह से ही वो अपने रिटायरमेंट से पहले ही 55 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके थे। जबकि यही मौका रिचर्ड के पास भी था, मगर उसने कभी सही डायरेक्शन में अपनी फाइनेंशियल
सिक्योरिटी के लिए कोई एफर्ट्स डाले ही नहीं, जिसकी वजह से ही समय रहते उसकी किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जबकि वहीं रोनाल्ड ने बड़ी ही समझदारी से अपने प्रॉपर फाइनेंशियल एफर्ट के दम पे किस्मत को अपने फेवर में कर लिया था। तो अगर आप भी रोनाल्ड की तरह ही एक प्रॉपर फाइनेंशियल एफर्ट के साथ एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे फंडू प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर के लिए इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की भी बेहतरीन सुविधा दे रही है, जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25000 वर्ड बास्केट की सुविधा भी तुरंत ही मिल जाएगी, विच इंक्लूड ऑल द एबीएस टूल। और इसी वजह से दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत बेस बना पाई है, इसलिए आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर और सिटी एंटर करके फ्री में ही मोतीलाल ओसवाल के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वहीं अब दोस्तों एक बार दो दोस्त अपने गांव से निकलकर शहर जाने के लिए निकले अपनी अपनी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, मगर शहर जाने से पहले वो अपने गांव और शहर के बीच में बने जंगल में रहने वाले संत महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए, क्योंकि संत महात्मा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, उनके कहने मात्र से ही चीजें बदल जाया करती थी। इसलिए दोनों ही दोस्त आशीर्वाद लेने के लिए बारी बारी से संत महात्मा के पास पहुंचे। अब पहला वाला दोस्त जैसे ही संत महात्मा के पास पहुंचा कि उसे देखकर महात्मा ने तुरंत ही कहा कि बेटा तुम मन के बहुत ही अच्छे हो, मगर मुझे ये बताते हुए खेद है कि तुम्हारे भाग्य में सफलता मुझे कहीं दूर दूर तक दिखी नहीं रही है, बाकी भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अब साधु महाराज की ये बात सुनकर पहला वाला दोस्त थोड़ा उदास हुआ, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी है, तो अगर वो आज महात्मा जी की बात मानकर अगर घर वापस चला गया तो गिरवी रखी जमीन को वापस छुड़ाने की उनके माता पिता की बची कुची हिम्मत भी टूट जाएगी, इसलिए अब वापस लौटने का तो उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इसलिए अब मेरे भाग्य में चाहे हार ही क्यों ना हो, मगर फिर भी मैं अपनी जी जान लगाकर एक बार यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश तो पक्का करूंगा। ये सोचकर वो महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर आगे बढ़ गया। वहीं अब बारी थी दूसरे वाले दोस्त की, तो वो जैसे ही महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा कि उसे देखकर महात्मा जी ने तुरंत ही बोला कि बेटा मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि भाग्य तो तुम्हारे साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, बाकी आगे भगवान ही तुम्हारा भला करे बेटा। अब महात्मा जी की ये बात सुनकर ये भाई साहब तो खुशी के मारे पागल ही हो गए, और उसे तो लगने लगा कि वो तो कल ही लबास्का में पहुंच गए हैं आईएएस बनने के लिए, लेकिन उसने अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल किया और रिलैक्स होकर शहर की ओर निकल पड़ा। अब करीब करीब एक साल के बाद एग्जाम का दिन आ गया और दोनों ही दोस्त एग्जाम देने के लिए बैठ गए, मगर अब पहले वाले दोस्त के हाथ में जैसे ही पेपर आया कि तुरंत ही वो अपने पूरे एफर्ट के साथ एक के बाद एक सवाल का जवाब लिखने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बैड लक के चलते पेपर लिखते समय कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो बिना कोई डिस्ट्रेक्शन के फटाफट से अपना जवाब लिखने लगा। मगर वहीं दूसरा वाला दोस्त बहुत ही ज्यादा रिलैक्स एंड काम था, क्योंकि महात्मा जी ने उसके गुड लक की भविष्यवाणी ऑलरेडी की हुई थी, इसलिए वो बिना कोई टेंशन के आराम से पेपर लिखने लगा। मगर वो पेपर लिखते समय इतना ज्यादा रिलैक्स एंड काम हो गया कि उसका ध्यान भागते हुए समय के कांटों पे तो गया ही नहीं, पर अपने ही धुन में मस्त होकर पेपर लिखने वाले इस दूसरे वाले भाई साहब का पेपर अधूरा ही रह गया, पर एग्जाम की फाइनल रिंग भी बज गई और ना चाहते हुए भी वो मैक्सिमम चीजें पेपर में अटेंड ही नहीं कर पाया। और फाइनली जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो हमारे ये दूसरे वाले भाई साहब बुरी तरह से फेल हो चुके थे, जबकि वहीं ये पहले वाला दोस्त चमत्कारी रूप से अच्छे रैंक के साथ पास हो चुका था। अब आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे, अब ये सच्चाई जानने के लिए ये दोनों दोस्त उसी संत महात्मा के पास वापस गए और अपनी पूरी कहानी महात्मा जी को बताई और पूछा कि हे गुरुवर, आखिरकार भाग्य का लिखा हुआ ये रिजल्ट आखिरकार कैसे बदल गया। जिसे सुनते ही महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि मेरे बच्चों, भाग्य ने करवट नहीं ली, भाग्य तो आज भी अपनी जगह पे सेम ही है, मगर एक्चुअली में आप दोनों अपने आप को देखो, आप दोनों के बिहेवियर एंड एक्शंस अब पूरी तरह से चेंज हो गए है, इसी वजह से तुम दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिला है। जैसे कि ये पहला वाला बच्चा शुरुआत में काफी ज्यादा परेशान और घबराया हुआ था,
क्योंकि वो हर पल अपनी सफलता और असफलता के बारे में ही सोचता रहता था, मगर वो कभी भी मेहनत करने पे तो ध्यान ही नहीं देता था। मगर जैसे ही उसे पता चला कि भाग्य अब उसका साथ नहीं दे रहा है, तो तब से उसने रिजल्ट की परवाह छोड़कर अपने बूढ़े माँ बाप के पैसों को सफल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स पे ही फोकस करने लगा। और इसलिए उसे पता चला कि यूपीएससी में 1,00,000 में से केवल 10 बच्चे ही पास होते हैं, इसलिए उन 10 बच्चों को बाकी के 99,990 बच्चों के कंपैरिजन में कुछ ऐसी चीजें जरूर पता होगी जिसे इस्तेमाल करने से ही वो 10 लोग सफल हुए हैं। इसलिए ये बच्चा उन 10 लोगों से जाकर मिला और बारी बारी से उनसे यूपीएससी में सफल होने की सारी टेक्निक जानकर सीख ली, और वो उसी 10 लोगों की सिखाई हुई टेक्निक को पूरे साल प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से ही उसके कर्म सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ बेटा, तुम्हारा भाग्य 100% तुम्हारे साथ ही था, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स एंड परसिस्टेंट एक्शंस ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी सफलता की ओर ही लेकर जा रहे थे, मगर भाग्य की बात सुनने के बाद तुमने एफर्ट्स एंड एक्शन को परसिस्टेंट रखना ही बंद कर दिया और कर्म करने से पहले ही तुम अपनी जीत की सेलिब्रेशन करने में डूब गए, जिसकी वजह से ही तुम पूरी तरह से अपना पेपर तक लिख नहीं पाए। अब बेटा, तुम्हारा कर्म ही अधूरा रह गया है, तो अब भला तुम्हें उसका फल पूरा कैसे मिल सकता है? और इसलिए बेटा, तुमने अपने भाग्य को अपने हाथों से ही गवा दिया है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि भाग्य एक मजबूत लोहे का सामान है जो अपने आप अपनी दिशा कभी नहीं बदलता, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि भाग्य हमारे फेवर में आकर हमारे साथ काम करे, तो उसके सामने हमें हमारे कर्मों का एक मजबूत एंड पावरफुल चुंबक रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना मजबूत एंड पावरफुल आपके कर्मों का चुंबक होगा, उतनी ही जल्दी वो भाग्य आपकी ओर आकर्षित होकर आपके साथ आकर आपके फेवर में आकर काम करने लगेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने इस कर्म के चुंबक को तो कभी पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाने पे तो काम ही नहीं करते, इसलिए भाग्य कभी हमारे तरफ आकर्षित हो ही नहीं पाता, जिसके बारे में श्री कृष्ण भगवान जी ने भी हमें ये क्लियरली बताया है कि कर्मणिया विदाकारस्ते माँ फलेसु कदाचल माँ कर्म फलम हेतु परमा ते षडो क्षेत्व कर्मणि, यानी कि हे पुत्र, तुम्हारा अधिकार बस तुम्हारे कर्म तक ही सीमित है, इसलिए अपने कर्मों को ही इतना पावरफुल बनाओ कि भाग्य और फल तुम्हारे पीछे पीछे आकर्षित होकर आ जाए। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान कर्म से ज्यादा फल और भाग्य पे रहेगा, तो तुम अपने कर्म करने का अधिकार भी गवा दोगे, जो तुम्हें 100% असफलता की ओर ही लेकर जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के सभी सफल इंसानों को असफलता मिलने पर वो सबसे पहले अपने कर्म करने की प्रोसेस को चेंज करते हैं, ना कि वो कभी अपने किस्मत या भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो अपने कर्मों को पावरफुल एंड मजबूत बना लेंगे, तो किस्मत और भाग्य तो उनके पीछे पीछे चला आएगा। अगर फिर भी यकीन ना आए, तो एक नजर उठाकर इलन मस्क को देख लेना, जवाब आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके से सफलता पाने की कोशिश करते हो, अपनी भाग्य की मदद से या अपने कर्म की मदद से? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।